जदयू के बैनर तले राजनीति करने वाले लोग समझ रहे हैं और जदयू की नाव धीरे धीरे डूब रही है, जदयू पार्टी खत्म हो जाएगी, ये कहना है प्रशांत किशोर का। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ 16 दलों की पार्टियां विपक्षी एकता की बैठक चल रही है तो दूसरी ओर जो है प्रशांत किशोर ने इसको लेकर जमकर निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि जदयू के नाम पर और नीतीश कुमार के नाम पर अब वोट मिलने वाला नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री का सपना फिर से देख रहे हों या प्रधानमंत्री का सपना, देखने दीजिए कितना पूरा होगा ये समझ में आ जाएगा। एक वक्त में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते थे। जब से प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा पर हैं तब से लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार पर हमला करते हुए, जरा वो बयान पहले आप सुने। कि नीतीश कुमार के चेहरे पर और तीर छाप के बटन पर, उस पर तो कोई चुनाव जीतने वाला नहीं, वो तो दल बचेगा ही नहीं। इसलिए नहीं बचेगा कि नीतीश कुमार ने स्वयं भी मान लिया कि भाई हमारे चेहरे पे तो अब एक वोट मिलने वाला है नहीं। जदयू के बैनर के तहत राजनीति करने वाले लोग वो समझ रहे हैं कि धीरे धीरे ये नाव डूब रही है, जदयू का कोई भविष्य नहीं है, या बड़ी संख्या में वर्कर नेता जो नीचे जदयू से पिछले 10 साल 20 साल 25 साल में जुड़े रहे हैं, हम लोग जब पदयात्रा कर रहे हैं तो उस समय भी बहुत लोग मिलते हैं और हर व्यक्ति को इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा, जदयू का कोई संगठन नीचे है नहीं, तो आखिर उनकी राजनीति आगे चलेगी कैसे। तो आप देखेंगे कि अभी तो चूंकि सत्ता में ये लोग हैं इसलिए वो डिसइंटीग्रेशन बहुत तेजी से नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय करीब आएगा चुनाव का तो जदयू करके कोई पार्टी का बचना या उस पार्टी के नाम पर वोट पड़ना बहुत मुश्किल दिखता है, ये मेरा अपना असेसमेंट है। बन जाए प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए, वो तो नीतीश कुमार का मतलब ऐसा है कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर थोड़ी ना है, जिसको अपना चेहरा बनाना है दल का बना दे, लेकिन बिहार की जनता तो ये भी देखेगी ना कि आप नेता होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनेता होने के नाते, मंत्री होने के नाते आपने काम क्या किया। लेकिन मोटे तौर पर मैं यही उस पर टिप्पणी करूंगा कि नीतीश जी को 2025 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, तेजस्वी को अभी मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि लोग ये देख पाए कि तेजस्वी यादव में कितनी काबिलियत है और कितना बढ़िया वो बिहार को चलाते हैं, कैसे बिहार की व्यवस्था को सुधारते हैं, और उसके आधार पर 25 में उस पर मत पड़ेगा तो शायद नीतीश कुमार के लिए और महागठबंधन के लिए भी बेहतर होगा। एक बात तो तय है, वो नीतीश जी ने अपने बयान में भी स्वीकार कर लिया, तो जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस चेहरे को और आगे उनको देना चाहिए, उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू की नाव डूब रही है, अब उस नाव पर सवार करने वाले लोग भी डूब जाएंगे और राजनीति करने वाले समझ रहे हैं, जदयू के तीर छाप के निशान पर जो राजनीति कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे समझ रहे हैं और लोग समझते हुए नीतीश कुमार का साथ भी छोड़ रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे एसडी न्यूज के लिए और देखते रहे एसडी न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।